हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, अभी प्रैक्टिस सेट सेकंड शुरू है, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है। देखो, ड्रॉ ट्रायंगल विथ मेजर गिवन बिलो, ओके। और उसके नीचे लिखा है इन एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, एबी 5.5 सेंटीमीटर और बीसी 4.2 सेंटीमीटर एंड एसी 3.5 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अभी आपको करना क्या है, ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बच्चों हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखो आपके सामने है, ये जो है ये पेंसिल, ये आपको कंपास कहते हैं, इसको हम जनरल में डिवाइडर कहते हैं, ओके। और ये जो है ये रूलर यानी स्केल पट्टी, और ये है प्रोट्रैक्टर, यानी हम इसको 90 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या सभी डिग्री हम इससे निकालेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको क्या कहा है, यहाँ लिखा है 5.5 सेंटीमीटर ए बी, बी सी 4.2 और 3.5 सेंटीमीटर जो है ए सी। तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है बच्चों, सबसे बड़ी साइड 5.5, 4.2 और 3.5 में सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें से, इसमें सबसे बड़ी साइड है 5.5। तो आप क्या करो बच्चों, सबसे पहले हम एक 5.5 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको झूम करके देखना पड़ सकता है, ओके। तो ये देखिए 5.5, बराबर ध्यान रखिए, ये देखो 1, 2, 3, 4, ये देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5.5, ओके। तो मैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये 5.5 का मेजरमेंट ले लिया, ये 5.5, ओके। अभी यहाँ पर नाम लेना है आपको, सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड हम बेस में ले लेंगे, लार्जर साइड, और इसका नाम जो है लेंथ ए बी है, और ये ए बी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ओके। बच्चों आपको क्लियरली दिख रहा है 5.5। आफ्टर देन लेंथ बी सी 4.2, अब बी सी 4.2 लेना है। तो देखिए बच्चों, अभी 4.2 के लिए करना क्या है आपको, मैं बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर ये डिवाइडर में आपको 4.2 लेना है। देखिए ये 4.2, देखिए बराबर ये 4, ये देखो ये 4 से लेकर यहाँ पर देखिए ये 4 बराबर, देखिए ये जीरो में रखना है आपको, और ये थोड़ा सा बढ़ाकर ये देखिए 4.2, देखिए बराबर 4.2 कहाँ आ रहा है, यानी ये 4.5 से थोड़ा सा कम, आप जूम करके देख सकते, देख लिए। तो ये है 4.2 मेजरमेंट में लिए। और आपको ये कैसे निकालना है, बी सी करना है, बी सी। तो बी सी कहाँ है, तो 4.2 का ये मेजरमेंट लेकर आप बी पर रखो, और बी पर रखकर ये यहाँ एक चाप मार दो, यानी यहाँ एक आर्क ड्रॉ कीजिए, आर्क ड्रॉ कर लिए। आफ्टर ध्यान ए सी कितना कहाँ है बच्चों, ए सी यानी ए, देखो यहाँ पर रखना पड़ेगा, ए पर रखना पड़ेगा, ए सी है तो ए सी कितना कहाँ है बच्चों आपको, 3.5 है ना। तो देखो यहाँ पर 3.5 करना है, ये देखिए मेजरमेंट बराबर, आप जूम करके देख सकते हैं, मैंने ये देखो 3.5 लिया, और ए सी तो देखो ए पर मैंने रखा और यहाँ पर सी पर ड्रॉ कर दिया, देखो। तो यहाँ एक क्रॉसिंग आ रही बच्चों, है ना, तो इस क्रॉसिंग पॉइंट को नाम दे देंगे सी, ओके। अभी हमें करना क्या है, तो देखिए ये यहाँ ऐसे जॉइंट करना है, यानी सी को ए और बी में जॉइंट करना है। तो ये हो गया बच्चों आपका ट्रायंगल ए बी सी। तो बी का मेजरमेंट कितना है, बी सी का 4.2, तो ये 4.2 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका ट्रायंगल हो गया बच्चों। ये समझ में आ गया बच्चों, तो चलो हम सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, देखिए बच्चों अभी ये साइड में ही मैं इस साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ सेकंड ट्रायंगल, यहाँ स्पेस है काफ़ी, ठीक है। अब देखिए बच्चों सेकंड ट्रायंगल में क्या कहा है, देखिए इन एस टी यू एस टी 7 सेंटीमीटर। आप देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है बच्चों, यहाँ ऊपर में देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एस टी 7 है, टी यू 4 सेंटीमीटर है, और एस यू 5, सबसे लार्जर साइड कौन सा है, लार्जर साइड है 7 सेंटीमीटर। तो आप वही करना बच्चों, बेस में यानी सबसे नीचे में, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो 7 सेंटीमीटर सबसे बड़ा साइड कौन सा है, 7 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों बराबर आपको दिख रहा होगा
ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए यहाँ पर ये 7 है ओके। ये 7 से तो ये 0 तक या ये 0 से 7 तक आप एक ड्रॉ कर लीजिए और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ये हो गया एस टी, क्या हो गया बच्चों एस टी, ये देखो एस टी और ये 7 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी साइड है ना वो आपको बेस में लेना है सबसे पहले ओके। अब उसके बाद में क्या कहा है टी यू, टी यू देखो ये टी पर रखना पड़ेगा और यहाँ यू, टी यू, टी यू कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक ये डिवाइडर लेना है यानी इसको कंपास कहते हैं और यहाँ कितना कहा है बच्चों आपको 4 सेंटीमीटर टी यू। तो देखो यहाँ पर ये 0 पर रखकर देखिए बराबर, देखो ये 0 पर रख दिया और 4 सेंटीमीटर देखिए बराबर मेजरमेंट देखिए, देखिए आपको दिख रहा होगा जूम करके देख सकते हैं ये 0 पर, ये डिवाइडर का जो नेल है वो 0 पर है और यहाँ पर 4, तो 4 सेंटीमीटर ओके। तो चलो 4 सेंटीमीटर हम टी यू करते हैं, तो ये टी पर रखो बच्चों, ये टी पर रखो डिवाइडर का जो नेल है वो है ना, और फिर यहाँ पर एक इस प्रकार से एक आर्क ड्रॉ करो ओके। आफ्टर ध्यान और क्या कहा है बच्चों यस यू फाइव, यस यू क्या है 5, तो आपको 5 सेंटीमीटर लेना है बच्चों। फिर से ये देखो ये 0 पर डिवाइडर का नेल रखा और ये 5 बराबर, देखिए बच्चों देखिए दिख रहा होगा आपको 5 है ना, ये देखो यहाँ पर 0 से ये 5 तक, तो यहाँ पर एस पर रखो एस यू और ये 5 से एक आर्क ड्रॉ कर लिए। अब ये आर्क ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट मिल गया इसका नाम है यू, क्योंकि आपको एस टी यू, एस टी यू ऐसे ड्रॉ करना है, तो आपको ये साइड यहाँ आपको जॉइंट कर लेना है ओके। ये देखिए जॉइंट कर लिया हमने, ये देखिए ये वाला भी एक जॉइंट कर लिया है ना, तो ये सेकंड ट्रायंगल हो गया बच्चों आपका, कौन सा है ट्रायंगल एस टी यू ओके बच्चों। अभी हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ट्रायंगल पी क्यू आर ओके। अब देखो बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर इन पी क्यू आर, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, आपको सबसे पहले बेस, सबसे बड़ा बेस कौन सा है बच्चों 3.86 और यहाँ पर सबसे बड़ा बेस है जो है लार्जर साइड वो पी क्यू है 6 सेंटीमीटर। तो बराबर देखिए, देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 6 सेंटीमीटर ओके, तो लेफ्ट साइड में ले लेते बराबर देखिए, ये देखो 0 से लेकर हम कितने सेंटीमीटर तक ड्रॉ किए बच्चों बराबर देखिए, जूम करके देख सकते हो आप 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ किए और इसका नाम लिख लेते पी क्यू, पी क्यू ये हो गया 6 सेंटीमीटर ओके बच्चों। आफ्टर देन क्यू आर 3.8, क्यू आर कितना है 3.8, तो अभी क्या करना है बच्चों यहाँ पर 3.8, 3.8 में थोड़ा सा गड़बड़ अगर हो भी गया तो चलेगा बच्चों। देखो ये देखो 0 पर रखना है और ये 3.8 है ना, देखो 4 से थोड़ा सा कम, 4 से थोड़ा सा कम देखिए बराबर है ना, थोड़ा कम ले लीजिए यहाँ पर 3.8, तो क्या है क्यू आर है ना, क्यू आर है, तो आपको क्या करना है बच्चों ये 3.8 ले लिया और क्यू पर रखना है और यह ऊपर में ऐसा एक आर्क ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लिए यानी ये 3.8 क्यू आर। आफ्टर देन पी आर कितना है 4.5, अब पी आर 4.5 देखो बच्चों यहाँ 0 पर रखिए और 4.5 देखो यहाँ तक, देखो आप जूम करके देख सकते हो 4.5 ले लिया मैंने ओके। अभी यहाँ पर पी आर 4.5 ये आर्क पर एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको यहाँ क्रॉसिंग पॉइंट मिलेगा और इसका नाम देना है आपको आर ओके। अभी आपको ये पॉइंट पी और क्यू से ज्वाइन कर देना है, तो देखिए हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये पी से ज्वाइन कर लिया आर को और यहाँ पर हम यहाँ ज्वाइन कर लिया और इसका नाम जो है यहाँ पर क्यू आर कितना है, क्यू आर 3.8 सेंटीमीटर और यहाँ 4.5 सेंटीमीटर, हाँ बस हो गया बच्चों समझ में आए। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ चलो शुरू करते हैं बच्चों ड्रॉ एन, देखो यहाँ लिखा है ड्रॉ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड देयर साइड 3.5 सेंटीमीटर। ऊपर में देखो यहाँ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आप बराबर पढ़ लीजिए, आपको क्या कहा है ड्रॉ आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस को अंडरलाइन कर लीजिए आप, आइसोस्केलस को अंडरलाइन कर लीजिए
ओके। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसकी दो साइड सेम है, जिसकी कितनी साइड सेम है, दो साइड। देखिए बच्चों मैं यहाँ रफली ड्रा कर रहा हूँ, देखिए बराबर ध्यान रखिए। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये एक एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, बराबर है। तो इसकी ये दोनों साइड कैसे रहेगी, ये देखो ये दोनों साइड कैसे रहेगी बच्चों, सेम। और ये अलग रहेगी, ये साइड अलग रहेगी, और ये दो साइड कैसे रहेगी, सेम। तो उसको कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, ओके। यहाँ लिखा है विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड 3.5। तो ये बेस है, ये जो बेस है, ये देखो ये बेस है, ये 5 सेंटीमीटर का लेना है बच्चों। आप जूम करके देख सकते हैं ये बेस कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। और अदर जो दो साइड है, ये देखो ये अदर साइड है, ये कितने के लेना है, 3.5 और 3.5। ये मैंने रफली निकाला, रफ आपको अच्छी तरह से निकालना है ये समझने के लिए कि अब बेस आपको 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का अदर साइड। तो यहाँ पर अदर टू साइड है, तो 3.5 3.5, और दोनों साइड कैसे होती है, सेम। जिसकी दो साइड सेम है उसको कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, ओके। तो बच्चों शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो ये देखो बेस कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। तो चलो बेस ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, बराबर। आप जूम करके देख सकते हो, ये देखो जीरो से ये 5 सेंटीमीटर देख रहे हैं आप बच्चों, जूम करके देख सकते हो। ये देखिए जीरो से 5 सेंटीमीटर तक ले लिया, और इसका कोई नाम नहीं है, तो इसका नाम हम दे देते ए बी, ओके। आप पी क्यू भी नाम दे सकते बच्चों। और ये 5 सेंटीमीटर बेस, ये समझ में आया होगा। अभी आपको क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बराबर बच्चों, ध्यान से झूम करके भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखो, ये जीरो, जीरो पर 3.5 सेंटीमीटर बच्चों। ये देखिए है ना, झूम करके देख सकते हैं आप। ये देखो 3.5 ले लिया, और 3.5 अभी आपको 3.5 क्या करना है, यहाँ एक ड्रॉ करना है आर्क, और वही सेम, क्योंकि दोनों का साइड तो 3.5 है। देखो यहाँ 3.5 3.5 है ना, तो दोनों का साइड कैसा है, 3.5। तो इसलिए आपको यहाँ पर भी 3.5 ड्रॉ करना है, ओके। यानी दोनों सेम है, हमने मेजरमेंट चेंज नहीं किए। और यहाँ आपको ज्वाइन कर देना है, ओके। ये हमने ज्वाइन कर दिए, ये 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, और इसको नाम दे देते सी। तो यह समझ में आ गया बच्चों, ये हो गया आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप अंडरलाइन कर लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहाँ अंडरलाइन करना है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ 6.5 सेंटीमीटर। अब बताओ बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या है, देखो मैं आपको रफली ड्रॉ करके बता रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी सभी साइड, ऑल साइड सेम। जिसकी कितनी साइड सेम होनी चाहिए बच्चों, ऑल साइड सेम। तो देखो यहाँ पर भी ये भी साइड, ये भी साइड, सभी साइड कैसे रहेगी, सेम। जिसकी ऑल साइड सेम है, यहाँ लिख लेता हूँ ऑल साइड्स इक्वल। जिसके ऑल साइड इक्वल हो तो उसी को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो क्या कहा है, विथ 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हम एक बेस ले लेते, ओके 6.5 सेंटीमीटर का। देखिए बराबर, देखो मैंने यहाँ पर ये जीरो से, ये देखो ये जीरो से 6.5, बराबर। देखिए बच्चों ये 6.5, देखिए ये देखो ये 6 है, ये 6.5, बराबर। तो यहाँ हमने ले लिए 6.5। अभी इसका नाम क्या देना है बच्चों, आप अपने मर्जी से नाम दे सकते हैं। मैं पी क्यू नाम दे देता, इसके पहले ए बी सी नाम दिया था, अभी पी क्यू आर नाम दे देते, नाम थोड़ा सा चेंज कर देते, ठीक है। और 6.5, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो उसकी ऑल साइड कैसे है, सेम। तो सभी साइड सेम है, तो इसलिए यहाँ पर डिवाइडर में क्या करना है बच्चों आपको, पहले ये देखो डिवाइडर है इसमें, यानी कंपास में आपको ये 6.5 लेना है, बराबर। देखिए ये जीरो, ये 6.5, बराबर। देखिए बच्चों ध्यान रखिए, झूम करके देख सकते हैं। देखिए मैंने 6.5 सेंटीमीटर ले लिया हूँ, है ना, मेजरमेंट देखिए बराबर आप 6.5। अभी 6.5, तो देखो ये तो ऑलरेडी 6.5 है, देखिए बराबर। अभी आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना है, और ये क्यू पर भी एक सेम साइज का एक आर्क ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ एक पॉइंट मिला, हम पी क्यू इसको नाम दे देते आर, पी क्यू आर, ओके। अभी हम ये ज्वाइंट कर देते, तो देखिए बच्चों हम ज्वाइंट कर रहे हैं, बराबर ध्यान से देखिए। ये देखो ये ज्वाइंट कर लिए, ये देखिए हो गया। तो ये 6.5, यह भी 6.5 है,
और यह भी 6.5 सेंटीमीटर, आप चेक कर सकते हो बच्चों। ये देखिए यहाँ से देखो, ये देखो, ये इतना डिस्टेंस है, इसका भी डिस्टेंस इतना ही है, सेम है सेम, और इसका भी डिस्टेंस देखिए यहाँ आर से रखता हूँ मैं तो सेम है, यानी ये 6.5, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर रहे हैं, फोर्थ नंबर। अब देखिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चूज लेंथ ऑफ द साइड योर सेल्फ, चूज द लेंथ ऑफ द साइड योर सेल्फ। आप अपने मर्जी से कोई भी लेंथ ले सकते हैं बच्चों, आप अपने मर्जी से कोई भी लेंथ क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं कोई भी लेंथ अपनी मर्जी से। ड्रॉ वन इक्विलेटरल, अंडरलाइन वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड वन स्केलन ट्रायंगल, यानी आपको थ्री ट्रायंगल कहाँ है, तो मैं आपको तीनों ट्रायंगल पढ़ाऊंगा बच्चों, बराबर ध्यान रखो। सबसे पहले तो वन आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो ये देखो मैं यहाँ पर इस साइड में एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे कोई भी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी देखो यहाँ इतना पेज है, यहाँ पर इक्विलेटर भी आना चाहिए मुझे आपको समझाने के लिए, आप अलग अलग पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही पेज पर आपको यहाँ पर सभी ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो मैं मेजरमेंट थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ, तो मेरा मेजरमेंट लगभग 5 सेंटीमीटर का रहेगा। देखिए अपने मर्जी से लेना है बच्चों, ठीक है, तो देखो मैं अपनी मर्जी से ये 5 सेंटीमीटर का एक, देखिए बच्चों एक बेस ले लिया यहाँ पर, ओके देखो 5 सेंटीमीटर। अभी हम इसको ए और बी ऐसा नाम देते। अब मुझे बताइए दोस्तों बच्चों, ये क्या निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए आपको करना क्या बच्चों, सभी ऑल साइड कैसे चाहिए, सेम ऑल साइड सेम है, तो मुझे बताइए मैंने कितने डिग्री कितने सेंटीमीटर लिया, 5 सेंटीमीटर। आप 6 सेंटीमीटर ले हो तो 6 6 सभी ऑल साइड 6 रहेगी, अभी मैंने 5 सेंटीमीटर लिया हूँ तो सभी की ऑल साइड कैसे होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने यहाँ मेजरमेंट ले लिया 5 सेंटीमीटर का, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ओके ए से, और ये बी से भी एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अभी देखो बच्चों यहाँ आर्क नहीं आया बराबर, है ना, यहाँ आर्क आपके साथ ऐसा बार बार होगा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ आर्क क्रॉस नहीं हो रहा, देखिए आर्क क्रॉस नहीं हो रहा, तो वापस से ए पर आ जाइए और ए से थोड़ा सा आर्क इधर बढ़ा दीजिए, अपने आप क्रॉसिंग होगा। बहुत से बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है और वो समझ नहीं पाते कि हम क्या करना है, तो वापस से पिछले पॉइंट पर आ जाइए और आर्क को बढ़ा दीजिए। तो देखिए यहाँ जो है ये ए बी, ओके तो ए बी और इसको नाम दे देते सी, ये सब 5 सेंटीमीटर, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल। तो हम यहाँ पर नाम दे देते बच्चों, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पेन से लिखता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया बच्चों, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखो ये दूसरा ऐसे पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए। अब आफ्टर देन हम क्या करना है, वन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, जिसकी सिर्फ 2 साइड सेम होती है, कितनी साइड सेम होती है, 2 साइड। तो मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेता हूँ बच्चों, देखिए बराबर, ये देखिए 5 सेंटीमीटर का ले लिया, ओके। तो यहाँ पर हम इसको नाम ले लेते पी क्यू, पी क्यू, ये 5 सेंटीमीटर। ऐसा ज़रूरी नहीं बच्चों कि 5 सेंटीमीटर ही ले, लेकिन कैसा मुझे अभी एक ही पेज पर तीन तीन करना है, तो 5 5 5 और ये बराबर मेजरमेंट आ जाएगा, ओके 5 सेंटीमीटर ले लिया। अभी ये कौन सा है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब जिसकी 2 साइड सेम है, तो ये बेस अलग है और इसकी ये 2 साइड, यानी ये अदर 2 साइड है, ये अलग साइड की होना चाहिए, यानी अलग मेजरमेंट की। अब अलग मेजरमेंट का हो, लेकिन दोनों का मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, सेम, तो मैं कोई भी एक मेजरमेंट ले लेता हूँ बच्चों। तो एक काम करते हैं, हम ये 5 से अलग मेजरमेंट, यानी 5 से कम ले सकते हैं या ज़्यादा ले सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ, ठीक है 6 ले लेता हूँ, कितना, ये 5 है ना, तो एक काम करते हैं 7 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 7। देखिए मैंने बराबर, देखिए आप ध्यान से, ये देखो ये 0 पर रखा और 7 बराबर है, देखिए आ गया 7। तो आपको 6 भी ले सकते हैं, 5 से कम लो या ज़्यादा, लेकिन 5 मत लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर का, आप 6 भी ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, लेकिन 5 से अलग मेजरमेंट। आपने यहाँ एक पॉइंट दे दिया, अभी पी क्यू है तो इसको आर नाम दे देते हैं, ओके ये आर हो गया। अभी आपको करना है क्या बच्चों, इसको ज्वाइंट करना है,
ये देखिए हमने ये ज्वाइंट कर लिया, ओके। अब इसको भी हमने ज्वाइंट कर लिया। अब मुझे बताइए बच्चों, ये कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर। अभी हम इसको नाम देंगे। देखो ये दोनों साइड सेम है, ये अलग है, तो इसको यहाँ नीचे में नाम दे देते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोस्केलस ट्रायंगल, आप ऊपर में भी नाम दे सकते हैं अगर आपके पास ऊपर में जगह हो तो। अब मेरे पास जगह नीचे में बची हुई है तो मैं यहाँ पर नीचे नाम दे रहा हूँ बच्चों। अभी ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सेकंड कंप्लीट हो गया, अभी मैं थर्ड साइड में निकाल रहा हूँ, ओके। अब बराबर देखिए, ऐसे उसके लिए आप झूम करके भी देख सकते हो। अभी स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल का मतलब ये होता है बच्चों, जिसकी सभी साइड अनइक्वल होती है, यानी अलग अलग रहेगी, सभी साइड का मेजरमेंट अलग, यानी ये जो बेस 5 रहेगा तो ये 6 रहेगा, ये 7 रहेगा, अलग अलग। तो मैं तो बेस तो हर बार 5 निकालूंगा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल और फिट करना है। तो यहाँ पर बेस हम ले लेते बच्चों 5 सेंटीमीटर का, आप अपने मर्जी से ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है 5। तो ये जैसे ABC हो गया, ये PQR हो गया, तो इसको हम नाम दे देते XY और XYZ वाला निकालेंगे। ये कितना 5 सेंटीमीटर, और इसकी सभी साइड अलग अलग, जिसकी ऑल साइड अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट साइड हो, वेरियस साइड हो, तो उसे कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो चलो स्केलेन ट्रायंगल, अब ये 5, तो अब मेजरमेंट क्या करना है बच्चों, 5 से कम लेना है या तो ज़्यादा लेना है। तो मैं 5 से थोड़ा सा क्या ले लेता, कम ले लेता बच्चों। देखिए बराबर, ये देखिए 0, अभी ये 5 है तो 5 से कम ले लेता बच्चों 4। देखिए बराबर, मैंने 4 ले लिया, दिख रहा है आपको 4 है ना, 0 और 4। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप ये देखिए एक्स पर रख सकते हो, और ये मैंने एक आर्क ड्रॉ किया बराबर, देखिए ये आर्क ड्रॉ कर दिया, हो गया। और ये कितना है बच्चों, 4। अभी मैं थोड़ा सा, यानी ये 5, ये 4, अभी तीसरा अलग साइड, तो एक काम कर लेते बच्चों, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते, यानी 6 कर लेते, ठीक है। देखो मैंने 6 कर लिया, बराबर देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं 6, और ये 6 यहाँ पर रखूँगा, यहाँ रखते हैं, और ये यहाँ आर्क ड्रॉ कर। अब ये सभी की प्रॉब्लम ये आएगी बच्चों हर बार, ये प्रॉब्लम कैसे है, क्या हम इसका आर्क कहीं और ड्रॉ करते, इसका आर्क कहीं और चले जाता है, ये क्रॉसिंग नहीं होता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्रॉसिंग नहीं होता है तो बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से आप देखो, यहाँ क्रॉसिंग नहीं हो रहा है तो आप फिर से वापस पहले वाले पॉइंट पर आ जाइए, और पहले वाले पॉइंट का मेजरमेंट कौन सा है बच्चों, 4। कौन सा मेजरमेंट है, 4, तो वापस से 4 मेजरमेंट पर आ जाइए। देखिए हो गया, अब 4 पर आ गया मैं, तो ये आर्क को थोड़ा सा बढ़ाना है आपको, ये देखो बढ़ा दिए तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ एक पॉइंट मिल गया एक्स वाई, और इसको नाम दे देते जेड, और ये कोई अलग ट्रायंगल है, यानी ये साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये जो साइड है ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर एक 7 लिख लिया मैंने, एक्चुअल मैंने 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया था, तो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ हम लिख लेते 6 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो ये है स्केलेन ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखता हूँ स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो बच्चों मुझे आशा है कि प्रैक्टिस सेट 2 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3 की तरफ। जय हिंद, जय